ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना, जो लौट के घर ना, ऐ मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ऐ मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तकती सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर मां सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद की सेना। जब देश में थी दीवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा धरती पर वो खून था हिंदुस्तानी,
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के दस दस को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोग, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। स्टैंडिंग ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन। बहुत अच्छे, बहुत 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 बढ़िया, बहुत। क्या सुर बांध रहे जयदेव जी आपने, बहुत ही बहुत मजे आ सुंदर, गए। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया गाया है। मतलब इस गाने को तो हमेशा हमेशा स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है, और आज हमने भी स्टैंडिंग ओवेशन दी है। बहुत ही सुंदर गाया आपने साहब, बहुत सुंदर गाया। मतलब इट गेव अस गूज बम्स एंड आई थिंक यस मोस्ट ऑफ अस हैड टीयर्स। यस 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 बिल्कुल बिल्कुल बोला। इस ये गाना इन्होंने इतना सुंदर गाया ट्रैक के बिना, यही एक अच्छी सिंगर की खासियत होती है कि ट्रैक के बिना ही वो अपनी अपनी आवाज ही उनकी इतनी रिदमिक होती है कि उसके अंदर ही ट्रैक होता है। सुन के बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, मीन्स अ लॉट। जयदेव जी बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा गाया आपने। सुनते 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 इन आंखों में वो ऐसे आना शुरू हो जाता है कि भाई वो ऐसा लगता है कि बहुत मतलब हमारे पीछे लोगों ने बहुत जो है स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल चल भी रही है, और स्ट्रगल बहुत स्ट्रगल किया है। बहुत अच्छा थैंक यू सर। जयदेव जी, अभी राजेश आपको वो किस्सा बता रहे थे कि 2 दिन पहले SMS में जो गड़बड़ हो गया था, मैंने ये गाना डिसाइड किया था। मुझे लगा था ये अल्टीमेट गाना है पेट्रियोटिज्म का, और लेकिन वो शायद कुछ SMS की गड़बड़ हो गई थी। राजेश ने कहा कि अब जयदेव गा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा था मेरे से कि जयदेव को मैं बोलूं क्या चेंज करने के लिए। मैंने कहा नहीं, अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है, उनको गाने दो। और मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि बहुत अच्छा हुआ मैंने नहीं गाया ये, क्योंकि मैं शायद जस्टिस नहीं कर पाता इस गाने को। मैं एक अमेच्योर सिंगर हूं, और आपने जो गाया है ना वही फीलिंग दिला दी जो लता मंगेशकर जी गाती हैं। बिल्कुल वो फीलिंग आ गई, बिल्कुल बहुत सुंदर गाया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आई थिंक वट एवर आई हैव हर्ड ऑफ दिस सॉन्ग ना, जब लता मंगेशकर जी ने मेरे ख्याल से नेहरू जी के लिए गाना गाया था तो उनकी आंखों में आंसू थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये फैक्ट है ये। और राजेश, इस गाने की थोड़ी सी स्टोरी भी है, मैं वो शेयर करना चाहूंगा प्लीज 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 कि राकेश ये, हाँ, जी सर। ये गाना लता मंगेशकर जी को जब उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र ने, कि दिल्ली चलना है आपको, और वो नेहरू जी का इनविटेशन, और ये गाना गाना है, तो कुछ
कुछ टाइम नहीं था उनके पास में प्रिपरेशन के लिए, तो लता मंगेशकर जी ने कहा कि मेरे पास प्रिपेयर करने का रिहर्सल करने का कुछ टाइम ही नहीं दे रहे हैं आप। बोले कोई बात नहीं, आप तो गा दो, आप लता मंगेशकर हो, आप गा दो। और उन्होंने मतलब बिना रिहर्सल के, बिना किसी उसके एफर्ट के वैसे ही गा दिया था ये गाना। और वो आप सब जानते हैं कैसा ये गाना कहां से कहां पहुंच गया है। और मेरे ख्याल से कुछ ये भी सुना है कि जब उन्होंने ये गाना रिकॉर्ड हुआ था तो सभी टीयर्स में थे, सभी टीयर्स। किसी ने उनसे पूछा था कि आपने कैसे गाया, व्हेन एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स आपने कैसे गाया, तो देन आई थिंक शी सेड कि अगर मैं भी रोती तो फिर गाना कौन गाता था। आई थिंक दिस इज बेस्ट बेस्ट सॉन्ग ऑफ पेट्रियोटिज्म, अल्टीमेट सॉन्ग। यस अल्टीमेट सॉन्ग, बहुत सुंदर। I think we are joined by Chris Venugopal also. He is also with us. Good morning, Chris. Good morning, sir ji. अरे वाह! Good morning. Good morning. Welcome. Welcome, sir. Welcome. Thank you very much. चार पांच दिन से ठीक से नींद नहीं, आज एक मीटिंग खत्म करके मैंने सोचा पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनने का और कोई अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिल से गाते हैं, बाकी सब जगह पैसे के लिए गाते हैं। एंड अभी पता चला, अभी जो जब आई जस्ट जयदेव जी जब गा रहे थे, आई वाज जस्ट फीलिंग अगर 365 दिन हम अगर ऐसे फीलिंग रखें तो कभी हम इंडिया के बारे में इतना बुरा नहीं कहते। जब देखो हम किसी ना किसी चीज के बारे में बुराई कहते हैं, अच्छाई का जमाना वापस ला सकते हैं अगर हर कोई ग्रुप ऐसा, जयदेव जी जैसा सिंगर, हम जो आई मीन यहाँ पे जो बाकी सब है जो प्रमोट करते हैं ऐसे अच्छे सिंगर को या अच्छे गाने को, उसके बारे में बात करते हैं, तो स्लोली आई थिंक वी कैन ब्रिंग बैक अ लाइफ विच इज मच मोर true to our soul, and yes, that will be the true sense of all that people have done for us. जितने भी हमारे जो पूर्वज हैं जो हमारे लिए ये सब किया है, उनकी उनके लिए श्रद्धांजलि नहीं, श्रद्धा चाहिए। हम बस श्रद्धांजलि देके चले जाते हैं, श्रद्धा कम हो गई है, बट यहाँ पे इट इज डिफरेंट, यहाँ पे बहुत डिफरेंट लग रहा है। अच्छा हुआ कि मैं मीटिंग खत्म करके भाग भाग के चला आया। So nice, so nice. Very nice.